अब यहाँ पे घोटाला क्या होता है मैं आपको बता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं शशांक एंड यू आर वाचिंग स्काई गुरुकुल एजुकेशनल चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के बारे में। हम बात करने वाले हैं इस कॉलेज का टोटल प्रॉपर प्लेसमेंट स्ट्रक्चर के बारे में, प्लेसमेंट रेशियो क्या रहा, यहाँ पे प्लेसमेंट मिलता भी है और मिलता है तो एवरेज प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। हम सब कुछ बात करने वाले हैं, कोर्सेज कौन कौन से यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कोर्सेज का फीस क्या है, क्या यहाँ पे हमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हमें यहाँ पे प्लेसमेंट मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, सब कुछ बात करने वाले हैं। एक ऑनेस्ट रिव्यू देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। अगर आप इस कॉलेज के बारे में प्रॉपर रिव्यू चाहते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप स्काई गुरुकुल के मेंबर नहीं है या फिर स्काई गुरुकुल के पार्ट नहीं बने हैं बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी ऐसी ही वीडियोज आप सभी के मोबाइल पे हमेशा मिलती रहे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले चीज की। तो बात करें, देखिए यूनाइटेड यूनिवर्सिटी जो है ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है जो कि 1998 में स्टेबलाइज हुआ था, ठीक है, काफी पुराने समय से चल रहा है, तो वेल स्टेब्लिश्ड है, समझ सकते हो इतने हिसाब से। बात करें यूनाइटेड यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के, तो अभी प्रेजेंट टाइम में इनके 6 कॉलेजेस टोटल चल रहे हैं, जिनमें बात करें तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है आपका यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसको कि यूआईएम हम बोलते हैं। दूसरा जो है वो है यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें कि आपके बीटेक के कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हो गए हैं, आपके डिप्लोमा के कोर्सेज हो गए हैं कुछ, ठीक है। तीसरे नंबर पर बात करें तो यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये भी एक इनका एक कैंपस है। चौथे नंबर पर बात करें तो ये आपका यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, यहाँ पे भी आपके काफी पीएचडी के कोर्सेज हो गए और जो और मास्टर डिग्री के कोर्सेज हैं वो यहाँ पे चलते हैं। पांचवें नंबर पर बात करें तो है आपका यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे भी कुछ कोर्सेज चलते हैं। और छठवें नंबर पर बात करें तो ये है आपका यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसमें कि आपका एमबीबीएस के कोर्स चलते हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो बीटेक हो गया, एमबीबीएस हो गया, एमबीए हो गया, बीबीए देखने को मिल जाएगा आपको, पीएचडी देखने को मिल जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया, बीटेक ऑनर्स देखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ एमएससी मिल जाएगा। और कुछ डिग्री कोर्सेज की बात करें नॉर्मल कोर्सेज की, तो उसमें आपका बीए देखने को मिल जाएगा, बीएससी देखने को मिल जाएगा, बीए एलएलबी देखने को मिल जाएगा और बीबीए एलएलबी देखने को मिल जाएगा, साथ में एलएलएम भी देखने को आपको मिल जाएगा। तो काफी सारे यहाँ पे आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, डिग्री कोर्सेज भी हैं, काफी सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। अब हम चलिए सीधे बात करते हैं कोर्सेज और उनके फीस की। तो सबसे पहले हम बात करें कोर्सेज फीस के साथ, हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपको एडमिशन कैसे मिलेगा इन कोर्सेज में। लेकिन उससे पहले हम बात करें कि यहाँ पे एडमिशन स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे दो तरीके से आपको एडमिशन मिलते हैं। पहले नंबर पे जो आता है वो आपका मोस्टली जो यहाँ पे एडमिशन होता है कोर्सेज में वो एंट्रेंस बेस्ड होता है, क्योंकि एक बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी और यहाँ पे प्लेसमेंट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इस वजह से यहाँ पे अगर आपका एडमिशन लेना प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे बीटेक हो गया, आपका एमबीए हो गया, इन सब कोर्सेज में मैक्सिमम जो होता है वो आपका एंट्रेंस बेस पे ही लिया जाता है, ठीक है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कोर्सेज और उनके फीस स्ट्रक्चर की। तो बीटेक की बात करें तो बीटेक का जो फर्स्ट ईयर का कोर्स का फीस है वो है 1,20,000 के करीब, ये बढ़ता घटता रहता है, तो आप वेबसाइट पर हमारी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे अपडेट भी होता रहता है, ठीक है। वेबसाइट का नाम आप सभी लोग जानते हैं www.skygurukul.com, गूगल पे जाइए सर्च कीजिए मिल जाएगा। बात करें बीटेक में एडमिशन लेने के लिए 10+2 होना चाहिए जैसा मैंने आपको बताया है, और यहाँ पे जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन मिलता है, आई थिंक डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा आपको अगर जो भी इस समय का चल रहा हो वहां पे क्राइटेरिया, ठीक है। बात करें एमबीबीएस का, तो एमबीबीएस का जो यहां पे फीस है 15,76,000 के करीब फर्स्ट ईयर का फीस है, ठीक है, और यहां पे ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए एमबीबीएस, सॉरी 10+2 होना चाहिए, आई थिंक नीट क्वालिफाई होना चाहिए, अब होना चाहिए नहीं होना चाहिए कंफर्म नहीं हूं, बट इस रिलेटेड आप कॉलेज में जरूर बात कर सकते हो कि एमबीबीएस के लिए भी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे करिकुलम क्या चल रहा है, ठीक है। एमबीए की बात करें तो एमबीए का जो फर्स्ट ईयर का फीस है वो है 1,25,000 और ग्रेजुएशन आपका मिनिमम चाहिए होता है, ग्रेजुएशन में आई थिंक 45% या 50% के अबव होना चाहिए, ठीक है। बात करें बीबीए की, तो बीबीए का फर्स्ट ईयर का फीस जो है वो है 80,000 रुपीज, 80,000 रुपये फर्स्ट ईयर की फीस है, 10+2 चाहिए होगा। नेक्स्ट बात करें पीएचडी का, तो पीएचडी के लिए जाहिर बात है पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, 63,000 फर्स्ट ईयर की फीस है यहाँ पे, ठीक है। बात करें एमटेक की, तो एमटेक का भी फीस वही अप्रॉक्स 98,000 से लेकर के 1,00,000 के करीब पड़ेगा, 10 आपका एमटेक में भी वही सिंपल है, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है। बात करें बीटेक ऑनर्स की, तो बीटेक ऑनर्स का भी सेम फीस है 1,20,000 फर्स्ट ईयर की, 10+2 आपका होना चाहिए, जेईई मेंस के थ्रू यहाँ पे भी आई थिंक एडमिशन मिलता है। बात करें एमएससी की, तो एमएससी का जो फीस है वो है 55,000 रुपये फर्स्ट ईयर का, ठीक है, ग्रेजुएशन आपका क्वालिफाई होना चाहिए अच्छे मार्क्स के थ्रू। बीसीए की बात करें, तो बीसीए का जो यहाँ पे फीस है वो है 59,800 रुपीज और एमसीए की बात करें तो 92,600 रुपीज, ठीक है। चलिए इतनी बात हो गई, अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे पे, वो है स्कॉलरशिप। बहुत लोगों का सवाल आता है कि सर आप स्कॉलरशिप को नहीं गौर करते, तो मैं आपको बता दूं ये जो कॉलेज है इसके अंदर बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं, इंटरनल स्कॉलरशिप हैं, बट आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनका मेन जो यहाँ पे होता है ना, ये यहीं पे खेल होता है। अब यहाँ पे घोटाला क्या होता है मैं आपको बता दूं, जितने भी स्कॉलरशिप होते हैं मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस, स्कॉलरशिप तो आपको स्टार्टिंग में दिखाएंगे कि सर हमारे पास इतने परसेंट का स्कॉलरशिप हम आपको देंगे, बट ध्यान दीजिएगा वो स्कॉलरशिप पे बहुत सारे क्राइटेरिया डाल दिए जाते हैं, जिससे कि आपका वो स्कॉलरशिप 4 साल तक, जब तक आपका कोर्स रहेगा
तब तक कंटिन्यू नहीं हो पाएगा और यहीं पे सबसे बड़ा घोटाला किया जाता है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे आपको सभी कोर्सेज में स्कॉलरशिप तो मिल जाएंगे, बट ध्यान दीजिएगा हर कोर्सेज का जो स्कॉलरशिप है वो मार्क्स के बेसिस पे है पहली चीज, और दूसरी चीज क्राइटेरिया के बेसिस पे। मान लीजिए आपको फर्स्ट ईयर स्कॉलरशिप मिल जाता है बीटेक में, ठीक है, बट अगर आपको ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू रखना है तीनों साल तक, तो इनके कुछ क्राइटेरिया होंगे, जैसे कि इतना सीजीपीए मार्क्स होना चाहिए, इतना अटेंडेंस होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप क्वालिफाई करते जाओगे तभी वो आपका स्कॉलरशिप कंटिन्यू होगा, वरना वो स्कॉलरशिप कंटिन्यू नहीं होता है। मैं आपको बता दूं बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में ये घोटाला अभी के टाइम पे चल रहा है, हो सकता है ये वीडियो वो उनके पास भी पहुंचे तो उनको शायद बुरा लगे, लेकिन ये रियलिटी। मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको स्टार्टिंग में तो दिखा देंगे कि हमारा इतना अच्छा आपका स्कॉलरशिप है, बहुत स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बट ध्यान दीजिएगा कि उस स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया पूरा जरूर पढ़ें कि आपका फर्स्ट ईयर तो मिल रहा है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में उस स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसा क्राइटेरिया डाल देते हैं जिसको कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं क्वालिफाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका नेक्स्ट ईयर का स्कॉलरशिप कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को जरूर आप मेंशन करें, जरूर अच्छे से स्टडी करें। अब बात करते हैं सीधे इसके प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो प्लेसमेंट में आपको बता दूं यहाँ पे अच्छी खासी प्लेसमेंट मिल जाती है, बस आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। जाहिर सी बात है यार, एक अच्छा कैंपस है, एक अच्छा प्लेसमेंट स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एवरेज प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट आपको 5-7 लाख का मिल जाता है बीटेक की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो 5-7 लाख का आपको एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। बात करें कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे आती हैं आपको हायर करने के लिए, तो आपका कॉग्निजेंट हो गई, केपीएमजी हो गई, आईसीआईसी बैंक हो गया, बायजूस हो गया, एससीएल हो गया, इन्फोसिस हो गया, एक्स्ट्रा मार्क हो गया, टीसीएस हो गया, बहुत सी सारी आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, जो कि इंडिया की बड़ी कंपनीज और आपकी वर्ल्ड लेवल की कंपनीज जो भी है यहाँ पे आपको हायर करने के लिए आती हैं, तो प्लेसमेंट का दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आप अपने स्किल्स पे हमेशा काम करें, क्योंकि हर कंपनी आज के समय पे स्किल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है, ठीक है। अब थोड़ी बात करें यहाँ पे आपको क्या क्या अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, तो देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे पढ़ाई से लेकर प्लेसमेंट तक का, और काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिसकी वजह से यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टडी का माहौल है, पढ़ाई का माहौल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रेशियो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कोई चीज प्रमोट नहीं कर रहा हूं, देखिए ओवरऑल डिसीजन आपका होता है, मेरा काम है जानकारी देना, मैं एक आपको रिव्यू दे देता हूं, तो यहां पे रिव्यू आपका काफी पॉजिटिव मुझे मिला, जबकि मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था इस कॉलेज के बारे में, तो काफी सारे लोगों से बात करने पे मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला यहां से, ठीक है, पॉजिटिव रिस्पांस मिला, तो स्टडी के लिए भी ये कोर्स अच्छा, कॉलेज अच्छा है, प्लेसमेंट के हिसाब से देखें तो भी ये कॉलेज ठीक ठाक आपको मिल जाएगा, ठीक है। काफी सारे आपके फैसिलिटीज मिल जाएंगे, वाईफाई कैंपस आई थिंक होना ही चाहिए, ठीक है, हर इंजीनियरिंग कॉलेज वाईफाई कैंपस होता है, आपको लाइब्रेरी मिल जाएंगे, और ओवरऑल देखो यार अगर आप पढ़ाई के मकसद से जा रहे हो तो आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए फैकल्टीज और वहाँ पे चलने वाला कोर्स स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल कॉलेज अच्छा है, आप एडमिशन ले सकते हो अगर लेना चाहते हो तो, बट ओवरऑल आपका डिसीजन होना चाहिए, एक बार आप जरूर रिव्यू कर लें अपने हिसाब से, एक बार आप जो भी यहाँ पे सीनियर पढ़ रहे हैं उनसे जरूर कॉन्टेक्ट करके बात कर लें, ठीक है, अपने कोर्स के हिसाब से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसे लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस कॉलेज का रिव्यू चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी तक अगर हमने आपने हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो अभी जाइए गूगल पे और लिखिए www.skygurukul.com और वहां पे जाकर के आप और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ऐसे ही कॉलेज रिव्यूज पढ़ सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद।